और खबर लखनऊ से, जहां विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन, विधानसभा की आज की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रश्नकाल में पर्यावरण को लेकर पूछा गया है पहला सवाल, पॉलिथीन द्वारा प्रदूषण पर सवाल, गायों की मौत कटान से ज्यादा पॉलिथीन खाने से, इसका जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ आज सदन में कई विधेयक पेश किए जाने हैं। आपको बता दें कि आज कार्यवाही शुरू हो चुकी है और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही पर्यावरण को लेकर पहला सवाल पूछा गया है। जिसका हम अगर मिट्टी के बर्तन जो पहले हमारे यहाँ जो बनते थे, जिसमें हम चाय पीते थे, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहला प्रश्न मैंने कर दिया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो पॉलिथीन के गिलास और प्लेट यूज हो रहे हैं, क्या इसके लिए भी प्रतिबंधित करके उन सारे दुकानों पे हमें फिर उस कच्चे के जो मिट्टी के बर्तन में जो मतलब पहले चाय मिला करता था, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कोई ठोस रणनीति बनाई है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार बनने के बाद ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन उन्होंने बुलाया था, तो पहला उनका आदेश था कि पूरी तरीके से प्रदेश में जो 20 माइक्रोन की जो पॉलीथिन, जिसमें सब्जी, जिसकी चर्चा माननीय उमाशंकर जी कर रहे थे कि लोग कूड़ा कचरा उठा के फेंक देते हैं, तभी से पूरी तरीके से प्रदेश में हमारे विभाग ने इसको प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया है। लेकिन जो कूड़ा कचरा अधिनियम जो है, जो संशोधन होना अभी भी संभावित है, उसके लिए हम नगर विकास मंत्रालय से भी संपर्क में है कि अधिनियम में चेंज करके, क्योंकि हम मॉनिटर करने का काम करते हैं, पूरी तरीके से लागू करने का अधिकार उस विभाग को है, और उसके बावजूद हम पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसको तो प्रतिबंधित कर ही रहे हैं, और जो दूसरे प्रदेश से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसका आगमन हमारे प्रदेश में चोरी छिपे आ रहा है, हम वाणिज्य कर मंत्रालय से भी संपर्क स्थापित करके उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का हमने सरकार ने मन बनाया है। अब तो बहुत बहुत सुंदर उत्तर आ गया कि ये बाहर से, पहली बात, अब तो बाहर के राज्यों से भी।